सृष्टि में मानव जीवन जो है उसको सबसे सर्वोत्तम माना गया है, और मानव जीवन का जो मेन जो आधार है, जो उसका मुख्य जो स्तंभ है वो है धर्म, और धर्म का एक अभिन्न अंग है, या मैं यूं कहूं कि धर्म का जो मेन अंग है वो है उपवास। जी हाँ, तो आज उपवास विशेष दिवस पर मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर आप सभी को सादर नमन करता हूँ, और जितनी भी हमारी मातृशक्ति है मैं उनको आज इस विशेष उपवास दिवस जो कि आज करवा चौथ का व्रत है उसके उपलक्ष्य पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज मेरे इस विषय से आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आज का जो मेरा विषय है वो है उपवास। उपवास जो है इसको आयुर्वेद शास्त्रों में लंघन कहा गया है, आप इसे व्रत कहते हैं, उपवास भी कहते हैं। इसका एक बहुत ही अहम महत्व जो है वो मानव जीवन के स्वास्थ्य में है। एक जो है वो धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार हम इसको अपनाते हैं अपने जीवन में, उसका एक अपना महत्व है। साथ ही साथ जो इसका जो मैं इस तरह से कहूँ कि इसका जो वैज्ञानिक, इसका जो चिकित्सीय जो सिद्धांत है उसका भी एक अपना महत्व है, उसका एक पहलू है। हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में इस उपवास को जो है जिसे हम लंघन कहते हैं आयुर्वेद भाषा में, तो इसका एक महत्व है। लंघनम परम औषधिम, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि लंघन जो है एक सबसे बड़ी औषधि है। क्यों है? हमारे जैसे बुखार होता है, ज्वर जिसको हम बोलते हैं, तो ज्वर में प्रथम जो चिकित्सा जो सूत्र है उसको, यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो लंघन कहा गया है। लंघन करने से क्या होता है कि जो हमारा आम होता है जिसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है वो शांत हो जाता है, और हमारा जो ज्वर है वो निराम अवस्था में आके ज्वर अपने आप ही शांत हो जाता है। तो ज्वर का इससे जो है वो संबंध मैंने आपको बताया। इसी तरह से जो है उपवास यानी कि लंघन का और भी बहुत सारा महत्व है। आचार्य बागभट्ट जी ने तो विस्तार पूर्वक जो है वो लंघन पर एक जो है वो श्लोक दिया है। मैं बताना चाहूँगा कि लंघन जो है, लंघन एक शब्द के दोषे, कि लंघन करने से हमारे शरीर में जो प्रकोपित जो दोष हैं उनका शमन होता है, वो शांत हो जाते हैं। दीप्ते अनिले, हमारी जो जठराग्नि है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो दीप्ति होती है, यानी कि वो बढ़ोतरी होती है उसमें, और प्रॉपर वे में जो भी आप खाएंगे वो अच्छी तरह से खाने पीने में जो है वो पच जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है। अगला है लाघवे सती, हमारा जो शरीर है वो अगर हम फास्टिंग करते हैं, लंघन करते हैं या उपवास करते हैं तो उससे हमारा जो शरीर है वो हल्का हमें महसूस होता है। कैसे हल्का महसूस होता है, मैं इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि जब आप लंघन करते हैं तो आम जो है वो निराम अवस्था में चला जाता है। कैसे जाता है? लंघन जब हम करते हैं तो हमारा आम पाचन हो जाता है, और ये आम है क्या चीज़, ये आम है जब आप खाना खाते हैं, और जब खाना खाने के बाद जो प्रथम रस हमारी बॉडी में शरीर में बनता है तो वो रस जो है वो प्रॉपर वे में नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो शरीर की जो कायाग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, वो हैम्पर हो गई होती है, वो डिक्रीज हो गई होती है, वो किसी कारणवश कम हो गई होती है, तो वहाँ से जो है वो अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू मटेरियल जो है वो निकलता है, बनता है। वो आपका प्रोटीन हो सकता है, आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका जो है वो किसी भी फॉर्म्स में जो है वो, मैं अगर इसको से कोरिलेट करूँ तो अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल जो मटेरियल जो है वो एक आम उत्पत्ति करता है, और ये आम जो है वो बहुत सारे रोगों की जो है वो एक जो है वो जड़ बनता है। तो मैंने जैसे बताया कि आम, जब ये आम बनेगा तो रोग उत्पत्ति होगी, और अगर आप लंघन करेंगे तो ये आम जो है वो आम अपने आप ही पचने लगेगा, आम निराम अवस्था में आएगा, और ये डाइजेस्टिव आपकी फायर जो है वो बढ़ेगी, और जो रोग अवस्था है वो निरोग अवस्था में अपना शरीर जो है वो आने लगेगा। अगला है क्षुत पिपासा और अरुचि, हमारा जो लंघन करने से जो है हमें भूख अच्छी लगती है, अच्छी प्यास लगती है, अरुचि यानी कि हमारी जो भोजन खाने की जो रुचि है, हमारा जो स्वाद है वो मुंह का अच्छा हो जाता है, खाने में भी इंटरेस्ट आता है, जो लोगों का है खाने में भी वो रुचि जो है वो उत्पन्न होती है। तो ये जो है वो लंघन का महत्व है। साथ में पक्तिर्वलम ओजश्च जायते,
खाना जो है वो अच्छी तरह से पकता है, पकती यानी कि खाना जो डाइजेस्टिव जो आग है हमारी, जो डाइजेस्टिव फायर है, काय अग्नि है, वो बढ़ेगी तो खाना अच्छे से पचेगा और जो है वो डाइजेस्ट प्रॉपर वे में होगा, शरीर का बल बढ़ेगा, ओज बढ़ेगा। ओज जिसे हम बात करें, अगर आपका शरीर प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उसकी बढ़ेगी, आपका शरीर हष्ट बनेगा, पुष्ट बनेगा और स्वस्थ बनेगा। ये जो है वो अपना इसका मैंने लंघन के फायदे बताए, जो आचार्य बागभट ने जो है वो इसमें विस्तार पूर्वक जो है वो वर्णन किया है। तो लंघन का अगर आप देखें तो एक विशेष महत्व हमारे शरीर में रहता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, एक धार्मिक उस दृष्टि से, एक श्रद्धा है, एक आस है, एक विश्वास है, जो कि मतलब सीधा तौर पे उस धर्म से जुड़ा है, जैसे कि मैंने अपने इस चलचित्र के शुरुआती उसमें कहा था कि ये उस चीज का आधार है। अब मैं मुझे एक जो है वो मुहावरा याद आ रहा है कि अर्ध रोग हरि निंद्रा और सर्व रोग हरि क्षुधा, कि नींद से जो है वो आपके बहुत सारे रोग जो है वो खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे रोग जो है वो आपके इससे जो है वो नींद से जो है वो शांत हो जाते हैं। और क्षुधा से, क्षुधा यानी कि अगर आप फास्टिंग करते हैं, अगर आप लंघन करते हैं, तो उससे आपके सारे के सारे रोग जो है वो शांत हो जाते हैं। और वैसे भी आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य जो है ये हमारे शरीर के तीन जो है वो उपस्तंभ है। ब्रह्मचर्य पे मैं आज बात नहीं करूँगा, आहार जो है वो आहार का और लंघन से डायरेक्ट जो है वो रिलेशन है, और निंद्रा का भी मैंने बताया है कि निंद्रा से अगर आप, और ये प्रैक्टिकली हमने देखा है, मैं एक चिकित्सक हूँ, हमने देखा है कि अगर आप अच्छी तरह से जितना 6 घंटे की कम से कम नींद बताई है, अगर वो प्रॉपर वे में आप लेते हैं, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि आपके स्वतः ही जो है वो शांत हो जाते हैं। तो मेरा जो आज का जो फोकस था, आज का जो मेरा ध्येय था, आज का जो मेरा ये उद्देश्य था इस चलचित्र को बनाने के पीछे, इस उपवास दिवस विशेष पर वो यही था कि आज हमारी बहुत सारी माताओं ने, बहनों ने जो है वो फास्टिंग की है, उन्होंने जो है वो उपवास किया है, अपने पति की दीर्घायु के लिए जो है वो उपवास किया है। इसका जहाँ धार्मिक महत्व है, वहीं साथ साथ में इसका हमारी माताओं का और अपनी बहनों का, उनकी शरीर पर भी जो है एक बहुत ही अनुकूल प्रभाव इस फास्टिंग का रहता है, जैसा कि मैंने अपने सारे इस वीडियो में बताया। तो ये बहुत अच्छी बात है, और समय समय पर हम सबको जो है वो ये फास्टिंग, लंघन, व्रत जिसे हम बोलते हैं, वो ये करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में जो है सारे टॉक्सिन शांत हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स जिसे हम बोलते हैं, आम जिसे हम बोलते हैं, वो सारा का सारा शांत हो जाता है। हाँ, एक मैं निजी तौर पर ये राय जो अवश्य देना चाहूँगा कि आमतौर पर प्रचलन में ये देखा गया है कि जैसे कभी हम भी व्रत कर लेते हैं, तो हमने आज व्रत किया है तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे भूख ना लगे, इसके लिए मैंने कुछ ऐसे गरिष्ठ पदार्थ ले लेने हैं कि जैसे मैं काजू ले लूँगा, बादाम ले लूँगा या फिर केले ले लूँगा। तो ये बेसिकली जो है वास्तव में ये गरिष्ठ पदार्थ हैं, ये पचाने में भारी होते हैं और ये मल अवरोध कारक होते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा आपकी जो अन्नवाह स्रोतस है उसमें ये बंधत्व, मैं ऐसे कहूँ तो ये कॉन्स्टिपेशन जो है वो बना देते हैं, उसमें कर देते हैं। तो ये मेरी निजी राय है इस विशेष तौर पर कि आप जो है जब भी आप व्रत करें, तो हमारा जो मेन व्रत का फोकस होता है वो यही होता है कि आप जो है वो हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा जो चैनल है बॉडी का, वो साफ रहे, वो शोधित रहे, उसमें अगर कोई हमारा जो दोष है, कोई आम है, उसका पाचन हो जाए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जब भी उपवास करें तो इसको अच्छी तरह से करें और इसका स्वास्थ्यात्मक दृष्टि से भी इसका भरपूर लाभ लें। और धर्म आधारित जो व्रत है वो तो है ही है, वो हमारी श्रद्धा आस्था का प्रतीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः अपनी सभी माताओं बहनों को आज के इस उपवास दिवस विशेष पर हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय भगवान धन्वंतरि।